बैक टू द चैनल अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आज है मार्केट टूर, फाइनली थोड़ा सा टाइम निकल गया, हम लोग आ चुके हैं मार्केट एंड मैं इंट्रो मार्केट के अंदर आके ले रही हूँ, आई मीन मॉल के अंदर। तो फर्स्ट मॉल का टूर आप लोग देख लो एंड ये है टी नगर, चाय वाला टी नहीं, टी नगर, टी फॉर टॉय। सो या लेट्स सी कि आज क्या क्या हम लोग खरीदेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है इधर चेन्नई का, जो टी नगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो या लेट्स सी कि कैसा रहता है हम लोग का ये टूर छोटा सा। सो या यू कैन एंजॉय द व्लॉग। वाओ, ये लहंगा इतना प्रिटी लग रहा है, क्या बताओ। इधर के सारे ड्रेसेस इतने सुंदर है, जस्ट लुक एट दिस गाइस। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस गॉर्जियस रॉयल ब्लू, इतना सुंदर लग रहा है। मैं इसका रेट नहीं देखूंगी, खैर छोड़ो, क्योंकि मेरा बस का बात नहीं है ये सब। सो मम्मी बोली है कि इधर से वो जामदानी वगैरह लेती है एंड वो जो पहले लेके गई थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, ये भी जो जामदानी है ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है दिखने में। ये सेकंड फ्लोर है एंड जस्ट देखो इसका वाइब कितना सुंदर है। पूरा ऑथेंटिक फील आ रहा है, मतलब पूरा एकदम चन्ने चन्ने फील आ गया। इधर मैं ज़्यादा कुछ नहीं उठा पाई क्योंकि इधर वीडियो करना मना था, तो इसीलिए छोटा सा ही क्लिप उठा पाई हूँ, ये एक है और दूसरा आप ये जो अभी देख रहे हो उतना ही, और कुछ भी नहीं उठा पाई मैं। तो नेक्स्ट फिर से मिलते हैं दूसरा वाला शॉप जाके। सो ये जो पहला वाला मॉल है इसमें अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलता है, तो उसका छोटा छोटा क्लिप्स मैंने उठाया है, वो आप लोग देखो एंजॉय करो। एंड यहाँ अभी मैं मेल सेक्शन में हूँ, पापा को कुछ खरीदना है तो वो देख रहे उनके लिए क्या क्या मिलता है। सो या आप लोग भी देखो एंड बोर मत होना। सो या कीप ऑन वॉचिंग। सो अभी हम लोग बाहर निकल गए फिर से एंड इधर देखो भीड़ तो है काफी, खाने का दुकान है, ये देखो छोटा छोटा फ्रूट्स लेके बैठी है वो एंड बहुत ज्यादा भीड़ है। लाइक सीरियसली मुझे पूरा भुवनेश्वर का मार्केट का बात याद आ गया। वाओ, तो बाहर से इतना सुंदर लग रहा है देखने में। इतना भीड़ में वीडियो बनाते बनाते मैं फर्स्ट स्टोर का नाम बोलना भूल गई एंड मुझे कहीं पे भी उसका नाम नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। ये वाला स्टोर का नाम है शरवाना स्टोर्स एंड ये इसका झूमर आप लोग देखो, इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह, इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू मैंने तो कभी नहीं देखा। इधर का जो ये थीम है वो भी काफ़ी सुंदर है। तो इसमें सिर्फ साड़ी नीचे फ्लोर में है एंड ABCD करके सब दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, मतलब हर चीज़ लिखा हुआ है, हर एक चीज़ के कौन सा जगह पे क्या है। तो ऊपर अगर जाएंगे तो देखोगे, नहीं तो इधर से ही देख लो एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। एंड ये सॉर्ट ऑफ ये देखो इधर पे पूरा लिखा हुआ है कितना कौन सा प्राइस में है, तो दामादामी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पूरा ह्यूज एरिया में है देखो, आई लव दिस प्लेस। सो ये है दूसरा जगह एंड मुझे दूर से ज्वेलरी दिख गया। वाओ, सुंदर है, काफी सुंदर है, बट प्राइसेस तो मुझे पता नहीं क्या है, पकड़ने से ही पता चलेगा कितना कितना प्राइसेस है।
बोल रहे हैं कि ये 8 रुपए करके है, इतना बड़ा तो हमारा त्रिपुरा में 20 रुपए लेता है और इधर 8 ही रुपए में है, तो आई गेस आई विल टेक दिस वन बिग वन। ये कितना है देखते हैं, ये है कितना 125। वाओ दिस लुक्स नाइस। ये देखो मुझे क्या मिला, ये स्क्रंची, इतना बड़ा स्क्रंचीज है 12 रुपए करके। वाओ बट कलर नहीं है, बस यही बड़ा बड़ा 1 2 3 ऐसा करके। ये है छोटा वाला, ये है 5 रुपए, सॉरी ये है 5 रुपए। मैं एक दिखती हूँ, बड़ा वाला ले लेती हूँ। थोड़ा इयररिंग्स का रेट देख लेते हैं कितना है इसका, देखती हूँ। ओ ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखो 98 करके। वाओ काफ़ी सही है भाई, ये तो नॉर्मली वही 100 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये ऐसा करके लेगा। ये है 110 रुपीज़, 150, 130। इतना ज्यादा भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखा, चेन्नई में तो फर्स्ट टाइम है, भुवनेश्वर में भी इतना ज्यादा भीड़ नहीं देखा। सो हम लोग उस साइड में थे, उस साइड से इधर आए तो इधर कुछ कुछ ज्वेलरी का फिर से शॉप हमको दिख गया। और इधर के स्क्रंचीज तो से कितना करके ये 10 रुपीज है, और ये 5 रुपीज है, 20 रुपीज है, 20 5 रुपीज वाला वो। रोड के बीचों बीच है एकदम, ये देखो कितना सुंदर सुंदर इयररिंग है, काश मैं सब लेके उठा के घर चली जाती। जाम मुड़ी, ओ ये है नारिकल। सभी एक दूसरा दुकान पे आए एंड ये गणेश कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखो। ये भी साड़ी का दुकान है, आप लोग बस भीड़ देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये ऑब्वियस ये झूमर ही है, ये जो इधर का डिज़ाइन है। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर एंड आप लोग दूर से देख के पता कर सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है इधर पे घुसने का। ये रहा ब्राइडल सेक्शन। साड़ी को तो छोड़ो गोली मारो, बट ये जो मॉल आप लोग देख रहे हो एक से बढ़कर एक है, मतलब हर एक शॉप का डिज़ाइन स्ट्रक्चर सब कुछ अलग अलग है। ये मूर्ति को मैं देखते ही रह गई बस। सो इधर देखो कितना क्यूट हाथी भी रखा हुआ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये साड़ी का दुकान है, ऐसे बंगलो जैसा क्यों लग रहा है। ये है ऊपर से व्यू, शॉप वाले भैया को पूछ रही थी कि कितना बजे से कितना बजे तक ये शॉप खुला रहता है, तो वो बोले 9 to 9:30। तो आप लोग देखो पूरा नॉन स्टॉप भीड़ है, नॉन स्टॉप हर एक जगह पे आपको सिर्फ भीड़ और भीड़। लाइक मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा क्रेजी है साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि चारों तरफ तो साड़ी है, साड़ी खरीदने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड है लोग। माई गॉड लाइक आई एम अमेज्ड। 2000 years later. So finally हम लोग थोड़ा सा खाने आए हैं एंड काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा भूख लगा है। तो ये देखो पीछे खाने का दुकान,
को भी बहुत ज्यादा भूख लगा। तो आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग, आज का मार्केट टूर चेन्नई का कैसा लगा जरूर से बताना। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन मिलती हूं कोई और ब्लॉग के साथ। बाय बाय। ये वाला जो खाने का जो क्लिप्स उठाई हूँ वो मेरे शॉर्ट्स पे मैंने डाल रखा है, तो आप लोग वो जरूर से चेकआउट कर लेना।